अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफत परवीन। ऑल ओवर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए तरह का डिश बनाने जा रही हूँ जो कीमा और तोरई से बनेगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब होता है। इसके लिए मैंने लिया है आधा केजी कीमा, जो थोड़ा मोटा होगा, ज़्यादा इसको महीन नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रहता है ये। थोड़ा सा इसमें फैट भी होना चाहिए, इससे टेस्ट अच्छा होगा। एक केजी तुरई, दो बड़े साइज़ का प्याज जिसे काट दिए हैं, चार हरी मिर्च इसको लंबा लंबा काट दिए हैं, सरसों तेल है, और गरम मसाले में चार लौंग, दो छोटी इलायची, सबसे पहले इसको बड़ी इलायची छील के काट, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच तीखा लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा और काली मिर्च, नमक स्वाद के लिए, अदरक लहसुन को हमने कूट दिया है। देखिए इसको छील के धो दिए हैं, उसके बाद इसको काटेंगे। तेल जब तक डाल के प्याज फ्राई करते हैं। दो टेबल स्पून सरसों तेल डाले हैं, तेल गरम होगा उसके बाद प्याज में डालेंगे। हो गया है गरम, प्याज डालते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। इसको काट लेंगे छोटा छोटा टुकड़े में। सारे तुरई को इसी तरह काट लेंगे। देखिए प्याज हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे कीमा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये डेढ़ टेबल स्पून है। गरम मसाला डाल देते हैं, सारे मसालों को इसी में ऐड करेंगे। मसाला के साथ इसको पहले अच्छी तरह से भूनेंगे। कीमा खुद ब खुद पानी छोड़ देगा। इसको ढक देते हैं। देखिए पानी थोड़ा सा छूटा था, वो सूख गया है, अब तेल छोड़ने लगा है। दो मिनट और इसको भूनेंगे, उसके बाद इसमें तुरई डालेंगे। देखिए ये भुना गया है अच्छा से, अब हम इसमें तुरई डालेंगे। तुरई को इस तरह से कटिंग किए हैं लंबा लंबा। अब ये पानी छोड़ देगा तो उसमें कीमा जो है और अच्छी तरह से गल जाएगा। तुरई जब भी काटें तो पहले धो लें, छीलने के बाद धो लें उसके बाद काटें, नहीं तो क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है, फिर सुखाना पड़ता है, टाइम लग जाएगा। हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं। अब इसको ढक के छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के बाद ये पानी अपने आप छोड़ेगा। देखिए दोस्तों कितना पानी छूट गया है। अब पानी सूखेगा उसके बाद ही ये तैयार होगा और कीमा भी इसी में गल जाएगा। अभी इसको और सुखाना है। मिलते हैं 10 मिनट के बाद दोस्तों। देखिए दोस्तों तैयार हो गया है।
तेल भी छूट गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। दोस्तों इसका नाम दरदरा है। दरदरा इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसका जो कीमा होता है वो मोटा मोटा कूटा जाता है। इसको मशीन से नहीं बल्कि हाथ से कूटा जाता है। मशीन वाला जो होता है वो बिल्कुल महीन हो जाता है, लेकिन हाथ से जो कूटा जाता है तो थोड़ा मोटा मोटा होता है, तो इसीलिए इसका नाम दरदरा है। अब हम गैस बंद करते हैं और इसको सर्व करते हैं बर्तन में। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप अपने घर में एक बार बना के खाएं। ये बकरीद स्पेशल है, बकरीद के मौके पर इसको खास करके बनाएं, इसका टेस्ट पता चले। देखिए दोस्तों दरदरा तैयार है। एक छोटा सा क्यूब डाल देते हैं बटर का, इससे टेस्ट इसका और अच्छा हो जाएगा। दोस्तों दरदरा की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।